जय श्री श्याम दोस्तों, इससे के पहले वाले लेक्चर में अपन कोशिका सेल चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद टिश्यू को ख़त्म कर चुके हैं, और उसके बाद अपन ने मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशी तंत्र था वो अपन ने ख़त्म कर दिया था कि मांसपेशी में तरल पदार्थ पाया जाता है सार्कोप्लाज्म, उसमें प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है मायोसिन नामक प्रोटीन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अपन ने देखा था कि उसमें तरल पदार्थ होता है सार्कोप्लाज्म। तो ये सब चीज़ें अपन इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जिसको अपन हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का कार्य अपने शरीर को स्थिरता प्रदान करना होता है, स्थिरता प्रदान करना होता है तथा चलने फिरने में मदद करता है। पहली चीज स्थिरता प्रदान करता है। हम जो खड़े हैं, बैठते हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, वो किसकी वजह से? तो स्केलेटन की वजह से, मतलब कंकाल की वजह से, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हड्डियों से मिलके बना है, और सभी हड्डियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। तो हमारे शरीर की स्थिरता प्रदान कौन करता है? तो कंकाल तंत्र। हमें चलने फिरने में मदद कौन करता है? तो कंकाल तंत्र। अब अपन कंकाल तंत्र को देखते हैं कि किस प्रकार से होता है और इसमें क्या क्या आता है। कार्य की बात करें तो शरीर को स्थिरता प्रदान करना, चलने फिरने में मदद करना। अब अपन देखते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो कंकाल तंत्र मेनली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहले अगर अपन बात करें तो ये होगा बाह्य कंकाल। पहले की अगर अपन बात करें तो ये होगा बाह्य कंकाल, और दूसरे की अगर अपन बात करें तो ये होगा अंतः कंकाल। पहले की अगर अपन बात करें तो ये होगा बाह्य कंकाल, जिसे एक्सो एक्सेलेटन कहते हैं, एक्सो एक्सकेलेटन कहेंगे, और इसको एंडो स्केलेटन कहेंगे, एंडो स्केलेटन कहेंगे। इंग्लिश में अगर नाम की बात करें तो बाह्य कंकाल एक्सो स्केलेटन, अंतः कंकाल एंडो स्केलेटन। कंकाल तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, कार्य क्या है? शरीर की स्थिरता प्रदान करना और चलने फिरने में मदद करना। प्रकार अगर बात करें तो दो प्रकार होते हैं, बाह्य कंकाल जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, अंतः कंकाल जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अपन पहले की बात करें बाह्य कंकाल की, पहले कंकाल तंत्र की अगर अपन बात करें किसकी? बाह्य कंकाल की। बाह्य कंकाल क्या होता है? तो ये कंकाल हमारे शरीर के बाहर मौजूद होता है। बाह्य कंकाल क्या है कि शरीर के बाहर मौजूद होगा, मतलब इसके अंदर मांसपेशियां होंगी और उनके ऊपर क्या होगा? तो कंकाल होगा, उसको अपन क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि बाह्य कंकाल के उदाहरण अपन कहाँ देख सकते हैं, तो अपन देख सकते हैं तिलचट्टा, अगर नाम सुना है तो तिलचट्टा। उसके बाद अपन बात करें मक्खी, उसके बाद बात करें अपन बिच्छू, उसके बाद बात करें अपन सीप, जो कि एक जलीय जीव है सीप। इसके बाद अगर अपन बात करें, तिलचट्टा हो गया, मक्खी हो गई, बिच्छू हो गया, इसके बाद अगर अपन बात करें सीप जो कि एक जलीय जीव है, मधुमक्खी, इसके बाद अगर अपन बात करें तो चींटी, इसके बाद अगर अपन बात करें मच्छर, इन सबका अगर आपने शरीर देखा होगा तो इनमें जो कंकाल पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? बाह्य कंकाल, मतलब जो शरीर के बाहर, इसमें अपन इनके कंकाल को देख सकते हैं, महसूस करके हाथ लगाकर भी देख सकते हैं और नॉर्मली भी देख सकते हैं। तो तिलचट्टा, मक्खी, बिच्छू, सीप, मधुमक्खी,
चींटी और मच्छर आदि, इनका जो तंत्र होता है कंकाल का वो कैसा होता है? बाह्य कंकाल। मतलब इन सभी में जो कंकाल तंत्र है वो कौन सा पाया जाएगा? बाह्य, मतलब शरीर के बाहर इनमें कंकाल होता है। इनके कंकाल में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, इनके कंकाल में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इनके कंकाल में नहीं होगा बल्कि आंतरिक क्रियाओं में होगा, परंतु बाह्य कंकाल में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, ना ही इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी जिससे कि इनमें रक्त का प्रवाह होगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम कार्य क्या है, शरीर को स्थिरता प्रदान करना या फिर चलने फिरने में मदद करना। सेकेंड अपन बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, बाह्य कंकाल जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, अंत कंकाल जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। पहले की बात करें बाह्य कंकाल की, तो शरीर के बाहर मौजूद रहता है। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, मक्खी, बिच्छू, सीप, मधुमक्खी, चींटी, मच्छर आदि, इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। तो अपन ने देख लिया प्रकार पहला कौन सा, बाह्य कंकाल। किसका प्रकार है ये? तो ये है स्केलेटन का। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, अंत कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल को अपन ने देख लिया है कि बाह्य कंकाल के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो बिच्छू हो जाएगा, मक्खी हो जाएगी, मधुमक्खी हो जाएगी, तिलचट्टा हो जाएगा, सीप हो जाएगा, इस प्रकार के जितने भी जीव हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल। अब एक चीज और याद रखनी है अपन को, कछुआ, एक चीज याद रखनी है अपन को, कछुआ, इसमें दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, मतलब इसमें बाह्य प्लस अंता कंकाल, एक्सोस्केलेटन स्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं। कैसे? कि कछुए की जो ऊपरी परत है, कछुए की जो ऊपरी परत है ये वाली, कछुए की जो ऊपरी परत होती है जो सबसे मजबूत भी होती है, कछुए की जो सबसे ऊपरी परत होती है जो सबसे मजबूत भी होती है, उसमें कौन सा कंकाल होगा? तो उसमें होगा बाह्य कंकाल। उसके बाद इसके सिर में, इसके पूंछ में और इसके पैर में कौन सा कंकाल होगा? तो अंता कंकाल। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अंता कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा जीव है? कछुआ। बाह्य कंकाल कहाँ दिखाई देगा? तो इसके ऊपर वाले हिस्से में जिसको अपन पीठ कहते हैं, सबसे मजबूत होता है। और अंत कंकाल कहाँ? इसके सिर में, इसके पूंछ में और इसके पैरों में। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दोनों कंकाल पाए जाते हैं, अंता और बाह्य कंकाल भी? तो वो है अपना कछुआ। एक चीज अपन को इसमें ये याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं अंता कंकाल की। बाह्य कंकाल के उदाहरण देख लिए, अंता और बाह्य कंकाल का जो सम्मिलित रूप है कछुआ वो उदाहरण देख लिया। अब अपन बात करते हैं अंता कंकाल की, एंडोस्केलेटन, अंता कंकाल जिसको इंग्लिश में अपन ने एंडोस्केलेटन कहा है, एंडोस्केलेटन। अंता कंकाल मानव में, जानवरों में, इनमें पाया जाता है। मानव मतलब अपनी बात करें, जानवर गाय भैंस बकरी बैल आदि की बात करें, तो इन सब में भी क्या पाया जाएगा? अंता कंकाल। क्योंकि ये जो कंकाल है हमारे शरीर के अंदर होता है, मतलब हमारी मांसपेशियों के अंदर होता है और हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। जो कंकाल शरीर के अंगों की रक्षा करता है उसे अपन क्या कह सकते हैं? अंता कंकाल। कहाँ होगा? तो शरीर के अंदर, मतलब मांसपेशियों के अंदर होगा। इसमें रक्त का प्रवाह भी होता है, इसमें रक्त का प्रवाह भी होता है, मतलब ब्लड जो सर्कुलेशन है वो अंत कंकाल में होगा। उसके बाद इसमें रक्त वाहिनियां भी होंगी, इसमें रक्त वाहिनियां जिनको अपन ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स, इनमें रक्त वाहिनियां ब्लड ब्लड वेसल्स भी होंगी। शरीर की अंगों की रक्षा करेगा, आंतरिक अंगों की। मानव और जानवरों में ये देखा जा सकता है कौन सा, अंता कंकाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन। इसमें रक्त का प्रभाव भी होता है।
बाह्य कंकाल अपन देख चुके हैं, अंतः कंकाल अपन देख चुके हैं। अब अंतः कंकाल को अपन को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें मानव और जानवर दोनों के कंकाल आएंगे कि उनमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो अपन अब बात कर रहे हैं अंतः कंकाल की। मानव जानवर दोनों में पाया जाता है, शरीर के अंगों की रक्षा करता है, रक्त का प्रवाह इसमें होता है। रक्त का प्रवाह होगा तो मतलब इसमें रक्तवाहिनी है, ब्लड वेसल्स का होना जरूरी है। अब अंतः कंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है। अंतः कंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है अस्थि और एक है उपास्थि। अस्थि की बात करें तो बोन्स और उपास्थि की बात करें तो कार्टिलेज। कार्टिलेज अस्थि की बात करें तो इंग्लिश में बोन्स और उपास्थि की बात करें तो कार्टिलेज। अपन सबसे पहले बात करते हैं उपास्थि की। तो आप लोगों ने अगर हड्डी देखी है, आप लोगों ने अगर बोन्स देखी है बड़ी, हाथ या पैर की या मुर्गे की या बकरे की, तो उसमें इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो अस्थियों के सिरों पर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ये पूरी अस्थि है, अस्थि के सिरों पर जो पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ये नरम भाग होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट। ये नरम भाग होता है, कौन? कार्टिलेज। कहाँ पाया जाएगा? अस्थियों के सिरों पर। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। कार्टिलेज अपन देख रहे हैं, अंतः कंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला है अस्थि और दूसरा है उपास्थि, बोन्स और कार्टिलेज। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्टिलेज की। तो अस्थियों के सिरों पर जो नरम भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उपास्थि। कार्टिलेज किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है, Ca2O2। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैसा होता है? सॉफ्ट भाग होता है। कहाँ पाया जाता है? तो अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाले भाग को कार्टिलेज कहते हैं। यह नरम भाग होता है, किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें रक्त नहीं होता है, इसमें रक्त नहीं होता है, पहली चीज। इसमें लिम्फ पाए जाते हैं, या फिर अपन बात करें कि इसका जो निर्माण है या इसको जो न्यूट्रिशन है कौन प्रदान कराएगा? तो लिम्फ, जिसको अपन लसीका कहते हैं। लिम्फ जिसको अपन लसीका कहते हैं। तीन चार चीजें हैं उपास्थि की, क्या क्या है कि सबसे पहले तो उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं। होती कहाँ पे है? तो अस्थि के दोनों सिरों पर जो नरम सॉफ्ट भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की ये बनी होती है। इसमें भी रक्त नहीं होता है, परंतु इसका जो पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फ के द्वारा, मतलब लसीका के द्वारा। तो अपन ने अभी क्या देखा? उपास्थि, कार्टिलेज। अब अगर अपन बात करें तो अपनी नाक का अग्रभाग, ये वाला नाक, ये भी कार्टिलेज है। इसके बाद बात करें अपन कान, कान का जो पिन्ना है ये भी क्या है? कार्टिलेज का हिस्सा है। हमारे हाथ और पैर की हड्डियां, जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे हुमरस, रेडियस, अल्ना, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके सिरों पर ये जो संरचना पाई जाती है सॉफ्ट, उसको अपन क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो हमारे नाक और कान का पिन्ना, नाक का ऊपरी भाग, बड़ी हड्डियों के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनमें रक्त नहीं पाया जाता है। ये लिम्फ की मदद से अपने लिए पोषक पदार्थों का संग्रह करते हैं। लिम्फ मतलब लसीका। तो अपन ने क्या देख लिया? उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? अब अपन बात करेंगे अस्थियों की, जिनको अपन कहते हैं बोन्स। उपास्थि जिनको अपन कहेंगे बोन्स, हड्डी जिन्हें अपन कह सकते हैं। अस्थियों की अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने देखा था इस वाले भाग को अपन ने उपास्थि कहा था। इसके बाद जो शेष भाग बचता है इसको अपन क्या कहेंगे? अस्थि, मतलब बोन्स। बोन्स ये होती है, ये है कार्टिलेज।
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, हस्तियां किसकी मिलकर बनती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट, और उपास्थि सिर्फ किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड होता है, तो किसका निर्माण होता है? अस्थि का। यह ठोस भाग होता है, यह कैसा भाग होता है? तो यह ठोस भाग होता है, और उपास्थि कैसा था? सॉफ्ट भाग था। उपास्थि किसका मिलके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? फिर अस्थि बन जाता है। अस्थि की अगर अपन और बात करें तो इसकी संख्या जन्म के समय लगभग 300 होती है, इसकी संख्या जन्म के समय लगभग 300 होती है। अब अगर अपन बात करें बाल्यावस्था की, इसके बाद अगर अपन बात करें बाल्यावस्था की, तो लगभग 206 से लेकर 208 अस्थियां। प्रश्न कई बार परिवर्तित होकर आते हैं कि जन्म के समय अस्थियों की संख्या तो 300, बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 206 से 208, और फिर उसके बाद किशोर अवस्था मतलब वयस्क व्यक्ति की बात करें अपन तो इसमें होती है 206। वयस्क व्यक्ति की बात करें तो कितनी होगी? 206। बाल्यावस्था की बात करें तो 206 से 208, और जन्म के समय अगर अपन बात करें तो 300। 300 इसलिए क्योंकि जन्म के समय हड्डियां अगर आप बच्चे को उठा के देखोगे तो बहुत मुलायम होता है, धीरे धीरे हड्डियां जुड़ने लगती हैं, फिर वो एक प्रॉपर स्केलेटन का रूप ले लेती हैं, इसीलिए अंततः आखिरी में जाके 206 हड्डियां बसती हैं। अब बात आती है कि अस्थियों का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व मतलब एवरेज जो उसका डेंसिटी है कि सबसे मजबूत हड्डियां किस अवस्था तक रहेंगी, तो वो अवस्था होती है 30 वर्ष, मतलब 30 ईयर्स तक जो अस्थियां हैं उनका जो निर्माण है या फिर उनमें टूट फूट होगी तो जल्दी से रिकवरी कर लेंगी। तो अस्थियों का औसत जो घनत्व है सबसे अधिक किस अवस्था तक होता है? तो 30 वर्ष की अवस्था तक अस्थियों का जो औसतन घनत्व है वो अधिक होता है, मतलब 30 वर्ष की अवस्था तक अगर अपन को चोट लगती है तो वो जल्दी ही रिकवरी उसे कर लेगा। बाल्यावस्था की हड्डियों की बात करें तो 206 से 208, किशोर अवस्था की बात करें तो 206, जन्म के समय बात करें तो 300। ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो अपन ने अस्थियों की देखी हैं। अब इसमें कोलोजन तथा ओसीन, अस्थि में कोलोजन तथा ओसीन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे अपन ने मस्कुलर सिस्टम जब मांसपेशियां पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ अस्थियों की बात करें तो कोलोजन और ओसीन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्थि मतलब बोन्स में पाए जाते हैं। दोनों याद रखना है कि कोलोजन और ओसीन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्थि में पाए जाते हैं। अस्थियाँ बनी किसकी होती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, जो कैसी हैं? ठोस भाग होता है। औसत घनत्व की अगर अपन बात करें हड्डियों की तो कितनी वर्ष की अवस्था तक? तो 30 वर्ष की अवस्था तक। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है, बाल्य अवस्था में इसकी संख्या 206 से 208 होती है, और किशोर अवस्था में इसकी संख्या 206 होती है। अपन ने बात की अस्थि की, तो अस्थि के दोनों शिरों को क्या कहा जाता है? तो कार्टिलेज कहा जाता है। अस्थि का अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन ये देखा है, कंकाल तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, अब अस्थियों में अपन आगे चलेंगे कि अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं। कोलोजन और ओसीन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, कोलोजन और ओसीन नामक प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, बोन्स टोटल संख्या कितनी है? तो 206। वयस्क की बात करते हैं तो 206 हड्डियां बोन्स अस्थि, या अपन उसे हड्डी भी कहते हैं, बोन्स 206। इनको अपन दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, अस्थियों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है अनुबंध, अनुबंध अस्थियां, और दूसरी है अक्षीय। पहली है अनुबंध और दूसरी अक्षीय, इनको कहते हैं अपेंडिकुलर,
एपेंडिकुलर और इनको कहते हैं एक्सियल। अस्थियां दो प्रकार की पढ़ना है, पहला है अनुबंध जिनको एपेंडिकुलर कहेंगे, दूसरी अक्षीय जिन्हें अपन एक्सियल कहेंगे। अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं अनुबंधीय जिसको अपन कहेंगे एपेंडिकुलर। किसकी? एपेंडिकुलर। इसके बाद अपन देखेंगे अक्षीय। तो अपन अस्थियां दो प्रकार से पढ़ रहे हैं, पहली है अनुबंधीय जिसको अपन ने एपेंडिकुलर कहा है, और दूसरा है अक्षीय जिसको अपन ने एक्सियल बोन कहा है। सबसे पहले बात अगर अपन करें तो अनुबंध की, अनुबंध की जो संख्या है वो होती है 126। अनुबंधीय अस्थियों की अगर बात करें तो संख्या कितनी होती है? 126। यह अस्थियां चलने और फिरने में मदद करती हैं। यह अस्थियां चलने और फिरने में मदद करती हैं। कौन सी? अनुबंध, जिनकी संख्या कितनी है? 126। मतलब 206 में से 106 अस्थियां या बोन्स कौन सी होती हैं? अनुबंध, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। चलने व फिरने में कौन सी अस्थियां मदद करती हैं? तो ये करती हैं अपनी अनुबंध या फिर अपेंडिकुलर, जिनकी संख्या कितनी है? 126। अब अपन देखते हैं कि अनुबंध में कौन कौन सी अस्थियां आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हाथ की आएंगी और पैर की आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले इसमें हाथ की अस्थियां आएंगी, पैर की अस्थियां आएंगी, उसके बाद इसमें कमर के नीचे वाली आएगी, कमर के नीचे। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि। और फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो कोलर बोन, फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो कोलर बोन। अब कोलर बोन कहाँ होती है? ये वाला पोर्शन जो हमारा उठा हुआ है इसको कोलर बोन कहते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगी? तो ये भी आएगी अपने अनुबंध के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हाथ, हमारा हाथ उठने मतलब चलने फिरने में मदद करता है, हाथ और पैर की अस्थियाँ। कमर की अस्थियों की अगर बात करें तो पैर की जो हड्डियाँ हैं वो कमर की अस्थियों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये भी चलने फिरने में मदद करती है। कंधे की अस्थि अगर इसकी बात करें तो ये भी हाथ पैर को चलने फिरने में मदद करती है। उसके बाद बात करें कोलर बोन की, तो इस वाले भाग में जो मूवमेंट होगा वो कोलर बोन की वजह से ही होता है। तो अपन बात कर रहे हैं अनुबंधीय अपेंडिकुलर जिसकी संख्या है 26। इसमें क्या क्या पढ़ना है? हाथ की पढ़ना है, पैर की पढ़ना है, कमर के नीचे की पढ़ना है, कंधे की पढ़ना है, और कोलर बोन, ये जो फ्रंट वाली है ये पढ़ना है। अपन स्टार्ट करने वाले हैं हम हाथ की। अनुबंध चलने फिरने में मदद करना, टोटल संख्या 126 और 5 प्रकार की होती हैं। पहली अपन बात करेंगे अब हाथ की हड्डियों की, कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। हाथ की, हैंड की अपन बात करेंगे तो एक हैंड में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। मतलब यहां से अगर मैं यहां तक बात करूं तो कितनी हड्डियां होंगी? 30 एक हाथ में। और दोनों हाथ की अगर अपन बात करें तो 60 अस्थियां। मतलब दोनों हाथ में अपने कितनी? 60 अस्थियां पाई जाती हैं, 60 बोन्स। एक हैंड की बात करेंगे 30 की, तो उसी की कॉपी कर देंगे तो दूसरे की हो जाएगी। पहली अगर अपन बात करें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, हथेली वाला पोर्शन है मेटाकार्पल, और फिर इसके बाद आ जाती हैं उंगलियां जिनको अपन कहते हैं फ्लैंजेज। ध्यान से समझना, इसको अपन कहते हैं ह्यूमरस, सबसे ऊपरी हिस्सा यहां से यहां तक, इस वाली हड्डी को अपन ने कहा है ह्यूमरस, जिसकी संख्या होती है 1। कंधे से तो कोहनी तक की जो हड्डी है उसको क्या नाम दिया है? ह्यूमरस, जिसकी संख्या कितनी है? 1। ह्यूमरस के नीचे दो अस्थियां पाई जाती हैं, मतलब कोहनी और कलाई के बीच में कितनी अस्थियां? 2, जिसको अपन ने रेडियस और अल्ना, अल्ना। सबसे पहले कंधे और कोहनी के बीच में ह्यूमरस जिसकी संख्या 1 है, कोहनी और कलाई के बीच में दो अस्थियां होती हैं रेडियस और अल्ना जिनकी संख्या कितनी है? 1 1 है।
ठीक है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद अपन बात करें कलाई की, तो इसे कहते हैं कार्पल, कार्पल्स, कार्पल्स कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 8। मतलब अस्थियां, अपन जो कलाई जो मूवमेंट हो रहा है, कलाई वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें कार्पल्स नाम दिया जाता है, जिनकी संख्या कितनी है 8। इसके बाद बात करें अपन हथेली की, तो इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स, इनकी संख्या होती है 5। सबसे पहले ह्यूमरस की बात कर रहे हैं, कंधे से कोहनी के बीच की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस, जिसकी संख्या 1 है। कोहनी और कलाई के बीच में 2 अस्थियां होती हैं, इस वाले पोर्शन में यहां से यहां तक, जिनकी संख्या 2 है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद कलाई की बात करें तो इसको कहते हैं कार्पल्स, जिनकी हड्डी संख्या होती है 8। इसके बाद बात करें अपन हथेली की, इस वाले पोर्शन की, पूरे की हथेली की, तो इसमें पाई जाती हैं 5, जिन्हें अपन मेटाकार्पल्स कहते हैं। बाकी ये जो उंगलियों की हड्डियां हैं, इन्हें कहते हैं फ्लैंजिज, उंगलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं, फ्लैंजिज, फ्लैंजिज, जिनकी संख्या होती है 14। फ्लैंजिज की संख्या कितनी होती है, 14। 14 कैसे होगी कि इसमें कितना हिस्से हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 चुक कितने, 12, और 2 होते हैं अंगूठे में, 2 अंगूठे में से 2 हिस्से, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो फ्लैंजिज की संख्या कितनी होती है, 14। फिर से देखते हैं अपन ह्यूमरस की संख्या कितनी है, 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल्स 8, मेटा कार्पल्स मतलब हथेली 5, और फ्लैंजिज कितनी है, 14। ये अपन ने बात की एक हाथ की। अगर सेम इसी की अगर अपन दूसरे की बात करें तो टोटल अस्थियां कितनी हो जाएंगी, 60। मतलब दोनों हाथों में टोटल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं, तो 60। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लैंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल्स और उंगलियों की फ्लैंजिज। तो हाथ की अस्थियां अपन ने देख ली हैं कितनी होती हैं, 60 होती हैं दोनों हाथों में। और एक हाथ की बात करें तो कितनी होगी, 30। ह्यूमरस जिसकी संख्या 1, रेडियस जिसकी संख्या 1, अल्ना जिसकी संख्या 1, कार्पल जिसकी संख्या 8, मेटा कार्पल जिसकी संख्या 5, और फ्लैंजिज जिसकी संख्या 14। तो ये अपन ने देखी हैं हाथ की हड्डियां, जो किसका प्रकार है, अनुबंध का, मतलब चलने फिरने में जो अस्थियां मदद करती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन अनुबंध कहते हैं। अब अपन बात करते हैं 206 में से 60 को अपन कवर कर चुके हैं, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लैंजिज। अब अपन बात करेंगे पैर मतलब लेग की, उसमें बोन्स कितनी होती है, तो एक पैर में बोन्स कितनी होती हैं, 30, और दोनों पैर की अगर अपन बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 60। मतलब 206 में से अपन 60 पढ़ चुके हैं, 60 अपन पैर की पढ़ लेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 120। फिर 6 बचेंगी वो अपन अभी देखेंगे। अब अपन बात करते हैं पैर की हड्डी की, पैर की हड्डी, इसको जो जांग की हड्डी कहते हैं अपन, इसको नाम दिया जाता है फीमर, फीमर, या इसी को उरु हड्डी भी कहते हैं, उरु नाम भी आता है कभी कभी हिंदी में इसको, बिहार पीएससी में एक बार पूछ लिया गया था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो फीमर मतलब जांग में। संख्या कितनी है, 1 है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जिसकी संख्या कितनी है, 1। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है पटेला, जिसकी संख्या होती है 1। पटेले का कार्य है कि अपने जो पैर है इसको आगे की ओर ना झुकने दे, क्योंकि अगर आगे की ओर झुकने देगा तो फिर अपनी जो स्थिरता है शरीर की वो नहीं रहेगी, इसलिए पैर फीमर के नीचे क्या होता है, पटेला, जिसकी संख्या कितनी है, 1। पटेला के नीचे सेम वो दो अस्थियां उस टाइप से होंगी, जिनको अपन नाम देंगे टीबिया और फिबुला, टीबिया और दूसरी होगी फिबुला, फिबुला, जिनकी संख्या कितनी कितनी होगी, 1-1 होगी। पैर की अस्थियों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जांग की अस्थि फीमर, जिसे उरु अस्थि भी कहते हैं, सबसे बड़ी होती है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो जांग की, फीमर, जिसमें अपन ने मांसपेशियों में देखा था कि सार्टोरियस नामक इसमें मांसपेशी भी पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी, 1 है। इसके बाद जो घुटना अपन कहते हैं उसे बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, पटेला,
जिसकी संख्या कितनी है, एक है। इसके बाद नीचे टीबिया और फिबुला, मतलब घुटना, अपन ये वाली चीज मान सकते हैं पैर की। तो घुटना और जो पैर है, पैर की जो कलाई अपन कह सकते हैं नीचे वाले, उसके बीच में जो हड्डियां हैं कौन सी हैं, टीबिया और फिबुला। हाथ में क्या थी, रेडियस और अल्ना, यहाँ पे क्या है, टीबिया और फिबुला। हाथ में पटेले का काम नहीं था। फीमर की जगह यहाँ पर क्या थी, ह्यूमरस, पटेले की, पटेला यहाँ पर एक नया आ गया है पैर में। टीबिया फिबुले की जगह क्या था, रेडियस और अल्ना। इसके बाद अपन बात करें, जो अपन ने कलाई की बात की थी तो पैर में भी होती है, उसको नाम दिया था इन्होंने टार्सल, जिसकी संख्या होती है 7। कार्पल होता है पैर में और टार्सल होता है पैर में। टार से, टांग से याद रखना है कि टार्सल कहाँ होता है, पैर में, जिसकी संख्या कितनी है 7 और कार्पल की संख्या कितनी थी 8। यहाँ पर पटेला की वजह से एक इसकी संख्या कम हो गई है, टार्सल, ठीक है। टार्सल के बाद आता है मेटाटार्सल, टार्सल के बाद आता है मेटाटार्सल, जिसकी संख्या है 5। और इसके बाद फिर वही उंगलियां, जिन्हें अपन ने फ्लैंजिज कहा था, फ्लैंजिज, जिसकी संख्या होती है 14, क्योंकि वही पैर में भी 3 भाग होते हैं उंगलियों के, अंगूठे के होते हैं 2 भाग, तो 3 भाग उंगलियों के हुए, मतलब 12 ये हो गए, अंगूठे के कितने हो गए, 2 भाग। तो अपन ने बात की है पैर की हड्डियों की कौन कौन सी, तो फीमर, जिसकी संख्या 1 है, सबसे बड़ी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं, उर्वस्थि भी कहते हैं। सेकेंड अपन ने बात की पटेला, जिसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद आती है टीबिया, यह सबसे चमकीली अस्थि होती है, प्रश्न आया हुआ है, सबसे चमकीली अस्थि कौन सी होती है, तो टीबिया, जो पैर में होती है। फिबुला इसी के पास होती है, जिसकी संख्या भी 1 है, टीबिया की संख्या भी 1 है। टार्सल की संख्या 7 हो जाती है, मेटा टार्सल की 8 हो जाती है, फ्लैंजिस की 14 हो जाती है। फीमर 1, जांग की हड्डी, उसके नीचे पटेला, जिसे घुटना कहा है, 1 हड्डी, उसके बाद नीचे होती है टीबिया और फिबुला। टीबिया सबसे चमकीली होती है, फिर फिबुला, दोनों 1-1 संख्या। टार्सल, जो अपन ने कलाई की बात की थी तो पैर की कलाई को कहते हैं टार्सल, जिसकी संख्या है 7, ये याद रखना है। मेटा टार्सल, जो अपन ने हथेली कहा है, तो पैर में भी होती है, पगतली जिसे कहते हैं अपन, उसकी संख्या होती है 5। फ्लैंजिज की संख्या सेम है 14। संख्या सबकी सेम है, सिर्फ यहाँ पटेला आने से जो टार्सल है उसकी संख्या 7 हो गई है, और पटेला आने से एक संख्या बढ़ गई है। तो अपन ये एक पैर की पड़ी है, दोनों में सेम होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 60। तो 206 में से अपन 120 अस्थियां पढ़ चुके हैं, या फिर अपन कहें कि अनुबंध में जो 126 अस्थियां थी उसमें से अपन 120 पढ़ चुके हैं। अब मात्र बची कितनी है, तो 6 अस्थियां। 6 अस्थियां अपन और देख लेते हैं। हाथ और पैर की अस्थियां अपन देख चुके हैं, अनुबंध का ये प्रकार है, चलने फिरने में मदद करती हैं, चलने फिरने में जो मदद करती हैं उन्हें अपन अनुबंध कंकाल या अनुबंधी अस्थियां कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं स्केपुला, स्केपुला जिसकी संख्या होती है 2। स्केपुला की संख्या कितनी होती है, 2। तो ये कहाँ होती है, तो ये जो अपना कंधा वाला जो भाग है, मतलब इसको और कंधे को जोड़ने का जो काम किया है स्केपुला ने किया, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, तो स्केपुला की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। स्केपुला होती कहाँ पर है, तो जो कंधे वाली अस्थि है, ये वाली बड़ी सी जो अस्थि है, प्लेट जैसी, छोटी प्लेट जैसी, उसकी संख्या कितनी है, 2। इसको नाम क्या दिया है अपन ने, स्केपुला। इसका काम क्या है कि कंधे और हाथ की जो ह्यूमरस है उसको जोड़ना, मतलब कंधे और हाथ की जो अस्थि है सबसे ऊपर की, ह्यूमरस, ह्यूमरस ये वाली और कंधे की अस्थि, इसको जोड़ने का काम किसका है, स्केपुला का, जिसकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कोलर बोन की, इसके बाद अपन बात करते हैं कोलर बोन की, जिसकी संख्या कितनी है, 2 है। कोलर बोन कौन सी, ये वाली, जो लड़कियों में थोड़ी ज्यादा उठी हुई होती है और लड़कों में धसी हुई रहती है, ये वाली, ये होती है अपनी कोलर बोन, अगर आप हाथ टच करके देखेंगे तो इसको कहते हैं कोलर बोन, और इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन, सुंदरता की अस्थि भी किसे कहते हैं, कोलर बोन को ही कहते हैं, ब्यूटी बोन और कोलर बोन, 2 संख्या होती है इसकी भी। इसके बाद अपन बात करें पेल्विक, पेल्विक जिसकी संख्या होती है, 2।
स्केपुला दो, ये वाली एक इधर वाली और एक इधर वाली। इसके बाद बात की अपन ने कोलर बोन, ब्यूटी बोन, एक ये और एक ये दो। इसके बाद बात करते हैं अपन पेल्विक की, तो कमर के नीचे जहां पर इंजेक्शन लगता है, कमर के नीचे जहां पर इंजेक्शन लगता है, या अपन कह सकते हैं कमर और जो पैर की हड्डी होती है फीमर, उसे जोड़ने का काम कौन करती है, तो पेल्विक। इसकी संख्या कितनी है? दो। तो अनुबंध में अपन ने, अनुबंध जिसको अपन ने अपेंडिकुलर भी कहा है, अपेंडिकुलर भी कहा है, जिसमें अपन ने 126 अस्थियां देखी थी, तो अपन इसकी बात करें तो 30 हाथ की, एक हाथ की तो दो हाथ की 60, फिर एक पैर की 30 तो दोनों पैर की 30, तो कितनी हो गई 120, 60 और 60 120, हाथ पैर में खत्म। इसके बाद बची हैं 6 हड्डियां, किसकी? अनुबंध की। तो दो हैं स्केपुला, दो हैं कोलर और दो हैं पैल्विक, तो 6 हड्डियां ये हैं। इस प्रकार अनुबंध की 126 हड्डियां अपन कंप्लीट कर चुके हैं, कितने में से? 206 में से। अब बची हैं मात्र 80 हड्डियां, जिनको अपन एक्सियल या फिर अपन ने जैसे अक्षीय कंकाल कहा है, उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।